हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मैकेनिज्म एक्शन ऑफ क्लोरोक्विन ऑन कोरोना, कैसे जो क्लोरोक्विन है इफेक्टिव है कोरोना पेशेंट के लिए। इसको डिस्कवर किए थे हैंस अंडरसैग इन 1934। फोर एमिनोक्विनोलिन डिराइवेटिव होता है क्लोरोक्विन का, इस पे साइड चेन अटैच होता है तो क्लोरोक्विन और हाइड्रोऑक्सी क्लोरोक्विन को फॉर्म करता है। दोनों की प्रॉपर्टी होती है, दोनों बेसिक होते हैं नेचर के। जो वायरस होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। स्पाइक प्रोटीन जब सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है तो वो फ्यूजन स्टार्ट कर देता है, और जिसके कारण जो वायरस होते हैं सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, फिर वहाँ से वो रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब छोटे छोटे पार्ट्स में जब वायरस टूटने लगते हैं तो उसको वह एंडोमेट्रियम में जाता है, वहाँ पर इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो जो इंजाइम होता है वो असेंबल करता है, फिर वहाँ से न्यू वायरस का फॉर्मेशन कर देता है। अब हम देखेंगे कैसे जो क्लोरोक्विन है इफेक्टिव है। जब ये क्लोरोक्विन बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है तो ये बेसिक प्रॉपर्टी क्रिएट करता है सेल के अंदर, जिसके कारण फ्यूजन होता है उसको स्टॉप हो जाता है, और फिर जो या रिप्लिकेशन जो असेंबल हो रहे हैं जो वायरस, उसको जो एंजाइमेटिक एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है उसको रिप्लिकेशन करने के लिए उसको स्टॉप कर देता है, जिसके कारण जो वायरस होता है उसका रिप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है।